अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ बड़ा सिंपल सा कैरेट केक, ठीक है, जिसके लिए मुझे चाहिए 3/4 कप ये वेजिटेबल ऑयल, 1/4 कप ये डाल दिया। और अब इसमें मैं डालूँगी रूम टेम्परेचर पे 3 एग, ये 3 एग डाल दिए। और ये वाला जो मेजरमेंट वाला कप है ये मैंने ली है लाइट ब्राउन शुगर, और ये जो है 1/2 कप मैंने ली है वाइट शुगर। इनको डाल के तो सारा मिक्स कर लेंगे, ठीक है। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, ठीक है। अच्छी तरह मिक्स करके तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर और क्या डालना है। तो अच्छी तरह मैंने कर लिया है, ये मिक्स कर लिया है। अब ये है ड्राई इंग्रेडिएंट्स। ओके, ये भी मैं आपको बता दूँ, ये मेजरमेंट वाला लेवल मैंने 2 कप ऑल पर्पज मैदा लिया है, ये ऑल पर्पज फ्लावर है। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून लेवल बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून सिनेमन पाउडर, एंड 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। इसको मैं कर लूँगी सिफ्ट करके फिर बता दूँ। तो मैं एक बार फिर बता दूँ, ये मैंने लिया है मेजरमेंट वाला 2 कप लेवल ऑल पर्पल फ्लावर लिया मैंने, और उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून डाली है सिनेमन, 2 लेवल टीस्पून डाले बेकिंग पाउडर, और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, और 1/2 टीस्पून सॉल्ट इसके अंदर डाल के मैंने इसको सिफ्ट कर लिया। अब इसके अंदर मैं डालूँगी कैरेट, कैरेट डालूँगी मैं, ये 2 कप के बराबर ये मैंने कैरेट डाल दी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा हाथ से करूंगी मिक्स, हाथ से इस तरह मिक्स करके, तो ठीक है। अब मैं डालूंगी इसके अंदर, इसको हटा लेते हैं, अब मैं डालूंगी 1 टीस्पून वनीला एसेंस, और 350 डिग्री पे मैंने अवन ऑन कर दिया है। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा डालती जाऊंगी मैं, इसको मिक्स करती जाऊंगी। ये देखिए कितना अच्छा मिक्स हो रहा है, इसको मैं इसी से ही मिक्स करूंगी। ये देखिए, ये मैंने इसको कर लिया मिक्स, ठीक है। अच्छी तरह मिक्स करके
तो इसके अंदर ये जो है हाफ कप जो वॉलनट है, ये मैंने थोड़ा सा बेलन से ही डाल के बैग में बेलन से मैंने इनको थोड़ा सा पीस लिया है। इसको सारे को मिक्स करके फिर मैं आपको बताती हूँ। और ये मैंने लिया है पैन, इसके अंदर मैं ये करूँगी, बटर भी लगा सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल भी लगा सकते हैं, ये भी नॉन स्टिक से पे भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, पार्चमेंट पेपर भी लगा लें, लेकिन मुझे ये इजी लगा, मैंने ये कर लिया। ये लगा दिया। अब इसके अंदर मैं डालूंगी ये जो बैटर मैंने बनाया है, इसके अंदर मैं सारा ये बैटर डालूंगी। ठीक है, इसके अंदर सारा बैटर डाल के तो मैं इसको अच्छी तरह फैला लूंगी। ठीक, तो ये मैंने पैन में डाल के तो इसको ना अच्छी तरह करके टैप कर लिया है। अब मैं इसको 35 से 45 मिनट के लिए मैं इसको रखूँगी अवन में, 350 पे ऑन है, तो इंशाल्लाह मिलेंगे 45 मिनट्स के बाद। ये कितना अच्छा ये बन गया है, रेडी हो गया है। अब मैं इसको 20 मिनट्स के लिए थोड़ा ठंडा करूँगी, तो फिर मैं इसको डिश आउट करके तो मैं इसको काटूँगी। ठीक है, माशाल्लाह मेरा कैरेट केक जो है वो ठंडा भी हो गया है, तो अब मैं उसको काटा है तो अब मैं डाल रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। बिस्मिल्लाह, ये देखिए कैरेट केक, ये बहुत अच्छा और बहुत जो है सॉफ्ट, ये देखिए बहुत मज़े का बनता है, आप भी ज़रूर बनाएं। ठीक है, अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो दुआ में याद रखिए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।